प्रताप नगर इलाके में आवाजाही के लिए बने स्यासू भेंगा झूला पुल पर मेंटेनेंस का काम लगातार जारी है। पुल पर कार्य गतिमान होने के चलते इस पुल से आवाजाही बाधित हो रही है। पुल पर अभी 4 दिन और काम चलेगा। इस दौरान प्रताप नगर इलाके में आवाजाही करने के लिए लोगों को अभी लंबा सफर तय करना पड़ सकता है। दरअसल टिहरी बांध बनने के बाद 42 वर्ग किलोमीटर में झील बन गई। प्रताप नगर को जोड़ने वाले तमाम पुल झील में डूब गए, जिसके एवज में स्यासू भेंगा और पीपल डाली झूला पुल का निर्माण किया गया। लेकिन ये दोनों पुल हल्के वाहनों के लिए ही बनाए गए, जबकि भारी वाहनों के लिए डोबरा चांटी का पुल 12 सालों से अभी तक निर्माणाधीन है। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता केएस नेगी के मुताबिक पुल के मेंटेनेंस का काम 4 दिनों के अंतर्गत पूरा कर दिया जाएगा, जिसके बाद जनता को फिर से यहां से आवागमन करना आसान हो जाएगा। वैसे तो ट्रैफिक हमने डाइवर्ट कर रखा, सबको इंटीमेट कर रखा है, ये ट्रैफिक आजकल इधर से जा रहा है राजाखेत होते हुए पीपल डाले से, बट जो लोग आ रहे हैं उसमें टू व्हीलर में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फोर व्हीलर में थोड़ा सा जो जा रहे हैं इधर से वो थोड़ा रुकना पड़ रहा है उनको। संवाद 365 के लिए टिहरी से श्रवण सेमाल की रिपोर्ट।